इसे तुलसी कहते हैं। इट इज होली बेसिल ऑसिमम सेंक्टम। और ये फैमिली लेमिएसी से बिलोंग करता है। इनके इन्फ्लोरेसेंस को देखिए, ये इनके इन्फ्लोरेसेंस हैं। इन्फ्लोरेसेंस को वर्टिसिलिस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फ्लोरेसेंस हैं, सी दिस इन्फ्लोरेसेंस, ये नोड से निकलते हैं। इनके जो फ्लावरिंग हैं, ये नोड से निकलते हैं, इसलिए इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है वर्टिसिलिस्टर। इनकी लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती हैं। लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती हैं, कंप्लीट होती है। लीव्स आर कंप्लीट विद रेटिकुलेट वेनेशन। अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज हर्बेशियस, वेयर एज द लोअर पार्ट इज वुडी स्ट्रक्चर। लोअर पार्ट इज वुडी स्ट्रक्चर। तो एक सिंगल प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं। नीचे की ओर ये हार्ड होता है, वुडी होता है, और जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ऊपर हर्बेशियस हो जाते हैं। लीव्स इसके बिल्कुल डाइकोटिलेडनी जैसी हैं, यानी रेटिकुलेट वेनेशंस के साथ मिडरिब और बहुत सारी वेन्स ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये इनका इन्फ्लोरेसेंस है। वर्टिसिलिस्टर, इनको वर्टिसिलेट कहा जाता है क्योंकि ये देखिए नोड नोड से निकलती हुई हैं ये सारी के सारी फ्लावरिंग्स। एक्रोपिटल सक्सेशन में होती हैं, यानी जो सबसे नीचे है वो मैच्योर है, जो सबसे ऊपर है वो यंगेस्ट है। अब इस एक ट्विग को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हर नोड से इन्फ्लोरेसेंस का निकलना वर्टिसिलिस्टर कहलाता है। इस ट्विग में सबसे नीचे की ओर सबसे मैच्योर फ्लावर होता है, और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते जाइए तो यंगेस्ट होते जाते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर का ग्रो होना। अब एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो लेमिएसी फैमिली के एक फ्लावर, जो कि हमेशा ब्रैक्टिएट जाइगोमॉर्फिक होते हैं, बाईसेक्सुअल या कंप्लीट होते हैं ये फ्लावर्स हमेशा। साथ ही साथ हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है इन्हें, मनोसियस ओवरी हमेशा सुपीरियर होती है इसमें। और कैलेक्स की बात करें तो 5 सेपल होते हैं और 1/4 की अरेंजमेंट में, यानी एक अलग होगा और 4 एक साथ जुड़े होंगे। गैमोसेपैलस होंगे, यानी सभी जुड़े होंगे। कोरोला की बात करें तो पेटल्स भी जुड़े होते हैं, लेकिन 4 ऊपर अलग से दिखते हैं और एक अलग से दिखता है। फिर एंड्रूसियम यानी मेल पोर्शन की बात करें तो 4 स्टेमेंस होते हैं, बट 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। एंथर यहाँ पे डाईथिकस होता है, वर्सेटाइल डायनामस कंडीशन दिखती है एंथर में। गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम में ओवरी सुपीरियर होगी, बाई कार्पलरी होगी, सेन कार्पस होंगे, प्लेसेंटेशन हमेशा एक्साइल होगी, यहाँ पे बाइलॉक्युलर होंगे। लेकिन एक स्पेशल बात होगी कि गाइनो बेसिक स्टाइल पाई जाएगी, यानी स्टाइल जो होगी वो थैलेमस से अटैच होगी, जुड़ी होगी। यहाँ पे एक देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर, इसमें जो येलो येलो डॉट्स दिख रहे होंगे वो एंथर हैं। येलो डॉट्स रिप्रेजेंटिंग हियर एंथर। इस सिंगल फ्लावर को ऑब्जर्व कीजिए, इसमें जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है दैट इज कैलिक्स। ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये कैलिक्स है, और इसकी कंडीशन ये है कि 4 अलग एक साथ हैं और एक अलग एक साथ है। इसके ऊपर ये जो व्हाइटिश पर्पल कलर का दिख रहा है, इट इज कोरोला। दिस व्हाइटिश पर्पल इज कोरोला, सी दिस। अब इसमें देखिए, इसमें कोरोला क्या है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 एक साथ हैं जबकि ये एक अलग है, यानी 4+ दिस वन 5। तो
चार और एक, पांच स्ट्रक्चर्स अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका कोरोला। अब येलो कलर्स के डॉट्स दिख रहे हैं, दिस येलो कलर डॉट्स, ये येलो कलर्स, 1, 2, 3, 4, ये 2+2 के अरेंजमेंट में होता है। इसके अलावा फीमेल पोर्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो फीमेल पोर्शन ऑब्जर्व, ये देखिए फाइन ये रहा। तो ये है फीमेल पोर्शन, यानी यहाँ पे देखिए फीमेल पोर्शन में ये रहा आपका स्टिग्मा, जो बाइफर्केट स्ट्रक्चर है, और ये लॉन्ग स्टाइल है, और नीचे ओवरी है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ कंप्लीट फ्लावर ऑफ फैमिली लेमिएसी। और ये वाला जो फ्लावर है ये तुलसी के पौधे का है, यानी ऑसिबम सेंक्टम की बात हो रही थी यहाँ पे। अब लेमिएसी फैमिली के कैरेक्टर्स क्या होते हैं और कैसे ये होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला, फैमिली लेमिएसी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिंट फैमिली। जो प्लांट हमने स्टडी किया दैट वाज तुलसी, ऑसिबम सेंक्टम, इसकी एक और स्पीसीज हो सकती है ऑसिबम की, जो यहाँ नॉर्मली पाई जाती है इंडिया में, दैट इज़ ऑसिबम बेसिलिकम। फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो ये ब्रैक्टीरियड था, जाइगोमॉर्फिक, कंप्लीट फ्लावर, कैलिक्स 1-4 के फॉर्म में होता है या 1+ फॉर्म, कोरोला 4-1 के फॉर्म में होता है या 4+1, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो है 2+2, ऑर्गेनोसियम दो हैं जुड़े हुए हैं और इसलिए ब्रैकेट में है, और नीचे लाइन यानी सुपीरियर है। देन फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रूट पाया गया है वो चार हैं, जो कि 1-सीडेड हैं और नटलेट के फॉर्म में हैं, यानी छोटे छोटे नट्स के फॉर्म में हैं इंक्लूडिंग। तो इसमें क्या होगा, एक परसिस्टेंट कैलिक्स भी होती है। ये देखिए चार नटलेट लाइक सीड हैं इसके, और यही इनके फ्रूट्स भी होते हैं अंदर की ओर। ये बिल्कुल, ये देखिए इसके अंदर कैप बने हुए हैं चार, और बाहर से परसिस्टेंट कैलिक्स है, ये कैलिक्स परसिस्टेंट रहती है और अंदर नटलेट्स होते हैं। तो ये इसके फ्रूट्स हैं। हैबिट ऑफ द प्लांट इज दैट इट इज़ अ कल्टीवेटेड एरोमेटिक हर्ब। रूट इज टैप रूट, स्टेम इज इरेक्ट ब्रांच्ड, हर्बेसियस एट अपर साइड और अबव, बट वुडी मीन्स हार्ड पोर्शन बिलो और लोअर साइड। लीव्स नॉर्मली पेटियोलेटेड सिंपल विद रेटिकुलेट वेनेशंस। इनफ्लोरेसेंस इज द वर्टिसिलिस्टर। फ्लावर इज नॉर्मली ब्रैक्टीरियड, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट और हर्माफ्रोडाइट, इट इज मनोसियस एंड ओवरी इज सुपीरियर हेयर। देन कैलिक्स, कैलिक्स इट हैज़ 5 सेपल्स इन दिस होल, 1/4 कंडीशंस, दैट इज 1 इज लार्ज एंड 4 आर स्मॉल, फ्यूज विद 2 ग्रुप्स, मीन्स 1+4 कंडीशन, एंड गैमोसेपल्स इट इज फ्यूज। कोरोला 5 पेटल्स, गैमा पेटल्स मीन्स फ्यूज इन 4+1 कंडीशन। देन एंड्रोसियम 4 स्टेमेंस अरेंज्ड इन 2+2 अरेंजमेंट, पोली एंड्रस मीन्स दे आर फ्री, डाइथिकस एंथर्स, वर्सेटाइल डाई डायनमस कंडीशन इज फाउंड। देन गाइनोसियम ओवरी इज सुपीरियर मीन्स हाइपोगाइनस कंडीशन, बाई कार्पलरी दे हैव 2 कार्पल्स, देन सिनकार्पस, प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, एंड द स्पेशल थिंग इज दैट गाइनोबेसिक स्टाइल मीन्स स्टाइल इज अटैच्ड, मीन्स गाइनिक पोर्शन इज अटैच्ड टू द स्टाइल, मीन्स स्टाइल इज द बेस फॉर द गाइनो पोर्शन। सो इट इज द टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली लेमिनेसी।